Hello everyone, today I will teach you magic words in EVS subject. Okay students, so are you ready? Let's start. Magic words, three magic words hai. Look at here, please, sorry and excuse me. कितने मैजिक वर्ड्स है? थ्री. फर्स्ट वन प्लीज, सेकेंड सॉरी एंड थर्ड एक्सक्यूज मी. ओके चिल्ड्रन, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू यूज थ्री मैजिक वर्ड्स, लुक एट हियर. प्लीज किस में यूज करना है, सॉरी कहाँ यूज करना है और एक्सक्यूज मी कहाँ यूज करना है, मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, फर्स्ट इज प्लीज. ओके, ऑलवेज से प्लीज व्हेन यू रिक्वेस्ट समथिंग. ओके, रिपीट अगेन, ऑलवेज से प्लीज व्हेन यू रिक्वेस्ट समथिंग. ओके, मीन्स प्लीज कहाँ यूज करना है, जहाँ हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है. रिक्वेस्ट यानी विनंती. ठीक है, जहाँ हमें रिक्वेस्ट करनी है वहाँ पे हमें ये प्लीज़ यूज़ करना है. ओके, जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल, जैसे कि प्लीज़ गिव मी पेंसिल. आप अपने फ्रेंड से पेंसिल लेनी है, आप अगर स्कूल में पेंसिल नहीं लाए हो और आपको अपने फ्रेंड से लेनी है तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ गिव मी पेंसिल. ओके, तो ये क्या हुआ? रिक्वेस्ट हुआ. अंडरस्टैंड? फिर आपके भैया और बहन से, ब्रदर या सिस्टर से कुछ मांगना है, प्लीज़ गिव मी योर टी शर्ट, या तो प्लीज़ गिव मी योर फ्रॉक, समथिंग एल्स. ओके, कहे जैसे आपको रिक्वेस्ट करनी है. कहीं ही आप बाहर गए हो, आपको पानी चाहिए होटल में या कहीं बाहर गए हो, तो आप क्या बोलते हो? प्लीज़ गिव मी वाटर. ओके, कुछ भी चाहिए या कुछ भी करना है तो आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हो जिसमें रिक्वेस्ट होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऑलवेज से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग और मेक अ मिस्टेक. Repeat again, always say sorry when you something wrong or make a mistake. Sorry कहाँ use करना है? जहाँ आपने कुछ गलती की हो या तो कुछ mistake की हो. ठीक है, वहाँ हमें sorry बोलना है. जैसे कि आपसे कुछ टूट गया या गिर गया हो या ऐसा कुछ हो, तो आप क्या बोल सकते हो? Sorry, it's my mistake. Okay? या तो कुछ गलती से लिख लिया हो या ऐसा कुछ हो तो ऐसा बोल सकते हो, सॉरी दिट्स रॉन्ग फॉर मी. जैसे आपसे कुछ गलत हो गया है, ठीक है, वहाँ आप क्या यूज़ कर सकते हो? सॉरी, कुछ गलत किया है या कुछ गलती की है आपने. ठीक है, उसमें क्या होता है? सॉरी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक. ओके, नाउ नेक्स्ट, Always say excuse me when you disturb someone or need a way. Repeat again. Always say excuse me when you disturb someone or you need a way. Excuse me कहाँ बोलना है? जहाँ पे कोई दो लोग होते हैं, कुछ बात कर रहे हैं, या तो कोई person है जो बिजी लगता है आपको अपने काम में और आपको उसकी ज़रूरत है, तो उसका काम के लिए आप एक्सक्यूज मी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आपकी मम्मी कुछ काम कर रही है और बिजी लग रही है और आपको उसका काम है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक्सक्यूज मी मम्मी प्लीज़ वन मिनट. ऐसे बोल सकते हो ना? हाँ. फिर कोई दो लोग बातें कर रहे हैं, आपके बड़े भैया है
और बड़ी बहन है, कुछ दोनों बातें कर रहे हो और आपको उसका काम है, बिजी लग रहे हैं वो, तो उसमें आप वहाँ जाके बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, ऐसे बीच में उनका काम रुक के आपसे बात करनी है या कुछ है तो आप उसमें एक्सक्यूज़ मी यूज़ कर सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी ऐसे, ठीक है, अंडरस्टैंड। प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस वर्ड्स, आई एम सॉरी इफ़ आई वॉज रूड टू यू। हाँ, जैसे कि आई एम सॉरी, मैंने आपसे गलत तरीके से रूडली बात की, उसके लिए, ठीक है। आई हैव सीन दैट दे आर रियली मैजिक वर्ड, ये जो वर्ड्स है वो रियली मैजिक है। एक्सक्यूज मी, लेट मी से बाय, ओके, अंडरस्टैंड। रिपीट अगेन, ऑलवेज से प्लीज व्हेन यू रिक्वेस्ट समथिंग, आपको रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज बोलेंगे। ऑलवेज से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग और मेक अ मिस्टेक, आपने कहीं भी कोई गलती की है या कोई भूल की है तो उसमें सॉरी बोलेंगे आप, ठीक है। ऑलवेज से एक्सक्यूज मी व्हेन यू डिस्टर्ब समवन और यू नीड अवे, ठीक है। आप जो कोई बिजी है उसकी आपको ज़रूरत है तो उनका काम आप रुक के ऐसे एक्सक्यूज़ मी करके बात करेंगे, ठीक है। सो कितने हैं मैजिक वर्ड्स, तीन, यस, फर्स्ट प्लीज, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी, ओके। सो डू प्रैक्टिस एट योर होम चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।